Hello everyone. A very warm welcome to Priyanka Edu Advisor. And I'm Priyanka Chauhan. Today we will study class 10th science. In this we will study chapter 6. This is the biology chapter life processes. Now first we will study what is life process? What are life processes? The basic functions performed by living organisms टू मैंटेन द लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस जितने भी बेसिक फंक्शन्स जो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम परफॉर्म करता है उसकी बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स uh, की बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शंस हो गए जैसे डाइजेशन हो गया जिसमें न्यूट्रिशन में आ जाता है डाइजेशन रेस्परेशन एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन तो जितने भी बेसिक फंक्शंस प्रेज किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं उसकी लाइफ को मैंटेन करने के लिए इसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेस तो ये सारी लाइफ प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बट फर्स्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर टू मेंटेन वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इज रिक्वायर्ड हमारी बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं जैसे न्यूट्रिशन हो रहा है न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं इन सब के लिए बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और बॉडी के अंदर प्रॉपर एक मेंटेनेंस चाहिए होता है जैसे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी की सेल्स से बनी हुई होती है तो सेल्स का ब्रेक डाउन होता है तो डैमेज और रिपेयर जो डैमेज होता रहता है उसको रिपेयर भी करना होता है और बॉडी के लाइफ प्रोसेस को चलाना भी होता है आगे तो इन सब के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी बॉडी को मिलती है फूड से जो फूड हम खाते हैं ये फूड हम खाते हैं ये फूड हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी बनती है एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एट बी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एटीबी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है और जब भी हमें बॉडी रिक्वायरमेंट होती है इस एनर्जी की तो बॉडी ये एनर्जी को यूज़ कर सकती है अब कुछ भी आप सो रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं या चल रहे हैं लिख रहे हैं बोल रहे हैं हर सब काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए तो ये एनर्जी कहाँ से आती है ये एनर्जी फूड से आती है नाउ हाउ डू वी टेल द डिफ्रेंस बिटवीन वट इज़ अ लाइव एंड वॉट इज़ नॉट ए लाइव आप ये कैसे बताओगे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है या फिर वो जिंदा नहीं है अगर आप एक डॉग को भागते हुए देखते हो या काओ को च्यूइंग द काट जैसे वो कुछ खाना खा रही है या एक मैन बहुत ज़ोर जोर से शाउट कर रहा है स्ट्रीड पर तो आप इजिली बता सकते हो कि ये लिविंग बीग्स हैं उनकी बॉडी के मूवमेंट से आपको पता चल रहा है तो वाट इफ द डॉग और अ काओ अगर काओ डॉग मैन अगर वो सो रहे हैं तब आप कैसे बताओगे कि वेदर दे आर लाइव और दे आर वो जिंदा है या नहीं है तो आई थिंक वी विल चेक हम देखेंगे कि वो ब्रीद कर रहे हैं क्या अगर वो ब्रीदिंग कर रहे हैं अगर वो सांस ले रहे हैं इसका मतलब वो जिंदा है देन वाट अबाउट प्लांट्स प्लांट्स में कैसे चेक करेंगे हाउ डू वी नो देट दे आर लाइव हम देखते हैं वो ग्रीन कलर के हैं प्लांट्स तो हम बोल देते हैं हाँ ये प्लांट्स अलाइव हैं बट वॉट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन पर उन प्लांट्स का हम कैसे बताएंगे जो ग्रीन कलर के नहीं हैं या उनकी लीव्स किसी और कलर की हैं पर्पल कलर की हैं या येलो कलर की है तो हम कैसे बोलेंगे ये प्लांट अलाइव है जिंदा है या नहीं है दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर लाइव प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं हाइट में ग्रो होते रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि प्लांट्स दे आर अलाइव। कुछ लोग ये बोलेंगे कि वो ग्रो हो रहे हैं तो हमें इससे पता चल जाएगा इन अदर वर्ड्स वी टेन टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इसका मतलब हम कुछ मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग मूवमेंट uh, से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अगर कोई एनिमल मूव कर रहा है बोल रहा है या फिर प्लांट की प्लांट uh, की ग्रोथ हो रही है वो हाइट में बढ़ रहा है तो हम उसके मूवमेंट से पता लगा रहे हैं कि वो एनिमल अलाइव है वो जिंदा है वो एनिमल या फिर प्लांट द ग्रोथ रिलेटेड या तो हम ग्रोथ रिलेटेड देख रहे हैं एज कॉमन एविडेंस फॉर बींग अ लाइव बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अ लाइव बट अगर कोई प्लांट है जो हमें पता है कि वो विजिबली हमें दिख नहीं रहा कि वो ग्रो कर रहा है बट फिर भी तो वो अलाइव है ना कुछ एनिमल्स ब्रीथ भी करते हैं बट विदाउट विजिबल मूवमेंट कुछ विजिबली हमें दिखाई नहीं देता बट स्टिल दे आर अलाइव तो हम कैसे पता लगाएंगे तो क्या हम एक विजिबल मूवमेंट जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है क्या हम सिर्फ उसी के बेसिस पे बोला इनफ होगा कि वेदर ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग और नॉन लिविंग तो नहीं सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इट इज़ नॉट इनफ हमें और भी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कौन कौन से हमें पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इन विजिबल टू द नेकेड आई कई बार बहुत आ, हम इन हमारी जो आइज़ हैं हम उसे बायोलॉजी में जितने भी लाइफ प्रोसेस हो, हो रहे होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम की बॉडी में या प्लांट्स में तो वो हम सारी चीज़ें आइज से नहीं देख पाते उन सबको देखने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप तो बहुत स्मॉल स्केल पर इन विजिबल मूमेंट्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते अपनी आइज से इज़ दिस इन्विजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ तो क्या ये मोलिकुलर मूवमेंट लाइफ के लिए नेसेसरी है हाँ ये नेसेसरी है क्योंकि जब बॉडी ग्रो कर रही है या फिर बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं तो बहुत सारे मोलिक्यूल्स बहुत सारी जो सब्सटेंसेज हैं वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती रहती है और वो हर जगह ट्रैवल करती रहती है तो इस तरह के छोटे छोटे मोलिकुलर मूवमेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं जैसे हम ब्रीद कर रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है फिर वो लंग्स में जाके ब्लड में जाएगी फिर ब्लड उसको सेल्स तक लेके जाएगा फिर सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस में फिर वहाँ पे एनर्जी बनेगी तो ये सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स चल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर वेदर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स और इन प्लांट्स और इन एनी एनिमल इन फैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट इन दैम वायरसेस कोई मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करते अपनी बॉडी के अंदर जब तक कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं चले जाते जो वायरस होते हैं ये अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं और जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए या एनिमल्स हो जाए तो ये अंदर जाके मूवमेंट शो करते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं दैट इज़ वाई देर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट इसलिए ये कॉन्ट्रोवर्सी है क्योंकि ये जो वायरसेज होते हैं दे शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द लिविंग वर्ल्ड एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड सो दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड लिविंग के भी कैरेक्टर्स होते हैं इनमें और वायरसेस में नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर्स होते हैं वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ क्यों जरूरी हैं ये मोलिकुलर मूवमेंट्स लाइफ के लिए वी हैव सीन एन आर्डियर क्लासेज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बने हुए वो सेल्स से बने हुए हैं फिर एक तरह की जो सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाती हैं फिर सेम तरह की जो टिश्यूज़ होती हैं वो मिलकर ऑर्गन्स बनाती हैं और सेम तरह के ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल ये सब आपने अपनी लोअर क्लासेज में पढ़ा हुआ है क्लास एट्थ एंड क्लास नाइन्थ में आपने ये सब कंसेप्ट सब आपने पढ़े हुए हैं सब सेल्स हैव स्मॉलर कॉम्पोनेन्ट्स इन देम एंड इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर योर कन्सेप्ट ऑफ योर लोअर क्लासेस सो यू कैन गो एंड चेक आउट द विडियोज़ माई विडियोज़ आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल आप एट्थ क्लास के सेवेंथ एट्थ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर्स uh, हैं जो एट्थ नाइन्थ के चैप्टर्स हैं आप पहले उनको देख सकते हैं उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर देन यू कैन स्टडी दिस क्लास टेंथ चैप्टर क्योंकि आपके ये चैप्टर्स आपकी क्लास सिक्स में बेसिक्स जो थे वो क्लास सिक्स से स्टार्ट हो जाते हैं क्लास सिक्स क्लास सेवेंथ में भी हैं कुछ ऐसे चैप्टर जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया रेस्पिरेशन हो गया ये सारे चैप्टर्स आपके क्लास सेवेंथ में क्लास एट्थ में सेल चैप्टर आता है क्लास नाइन्थ में वापस से सेल चैप्टर आता है तो ये सारे चैप्टर्स आप जब वीडियोज़ एक बार देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दैट्स वाई हैव स्टार्टेड टीचिंग बायोलॉजी राइट फ्रॉम द क्लास सिक्सथ जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन uh, हो कोई भी उसको डाउट uh, हो साइंस में तो उसका क्लियर हो जाए वो जाके चेक कर ले क्लास क्लास की की इज स्मालफेक्ट दिस ऑर्गे ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन इससे क्या होता है क्योंकि एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो अंदर जो ये सेल्स uh, हैं ये सब ब्रेक uh, डाउन होता रहता है तो इनके एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए बॉडी के अंदर रिपेयरिंग और मैंटेनेंस होनी बहुत जरूरी है सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स सो लिविंग क्रीचर्स रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रक्चर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अगर कुछ भी ब्रेक डाउन हो रहा है सेल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उनकी रिपेयरिंग और इन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है तो ये सारे स्ट्रक्चर्स किससे बने होते हैं मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में मूव करते रहने चाहिए जैसे सपोज uh, किसी बॉडी का पार्ट कुछ डैमेज हो रहा है तो वहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स पहुँचते रहने चाहिए अगर किसी पार्ट को प्रोटीन चाहिए तो वहाँ पे प्रोटीन पहुँचता रहना चाहिए जैसे वो प्रोटीन को यूज़ कर ले तो इस तरह से बॉडी में इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होते रहना चाहिए सो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं एंड व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? नाउ वी विल स्टडी दिस कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं द मेंटेनेंस फंक्शनस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन वेन दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क जब आप कुछ वर्क नहीं भी कर रहे ना तब भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं आप ब्रीथ कर रहे हो अगर आपने खाना खाया हुआ तो डाइजेशन हो रहा है ब्रीदिंग हो रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स हो रहा है अंदर बहुत सारे न्यू प्रोटीन्स बन रहे हैं ब्रेन वर्क कर रहा है ब्रेन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं एक्सक्रीशन वर्क इज़ गोइंग एक्सक्रीशन में किडनीज ब्लड को फिल्टर कर रही हैं और जो वेस्ट है वो अलग से कलेक्ट हो रहा है तो इस तरह से ये सारे लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं इफ़ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड इवन विफ इफ वी आर स्लीपिंग अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो जैसे आप सिर्फ क्लासरूम में बैठे हुए हो या फिर आप सो रहे हो तो दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस और ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करने के लिए इस लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं उन सबको कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन और एनर्जी इज नीडेड फॉर देम क्यों है ये ज़रूरी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई डैमेज हो रहा है कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए उसको रिपेयर करने के लिए या फिर हमारी बॉडी में जो एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए ये सारा वर्क चल रहा है दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द बाहर से आती है ये एनर्जी और बाहर से भी किसके थ्रू आती है देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड फूड से आती है ये एनर्जी बॉडी के अंदर अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं जिस प्रोसेस में हम फूड को कंज्यूम करते हैं फूड को खाते हैं और फिर उस फूड का डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद में वो सिम्पल फॉर्म्स में फूड का ब्रेक डाउन होता है और फिर वो जो सिंपल फॉर्म में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है उस वो फिर रेस्पिरेशन में यूज़ होता है दैट इज़ द ग्लूकोज सो इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ग्रो करना है तो उसे कुछ रॉ मटीरियल्स भी चाहिए होंगे जो बाहर से बॉडी में सप्लाई किए जाएंगे सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स अर्थ पर जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है एंड मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड तो हमारे जो फूड सोर्सेज हैं ज़्यादातर वो भी कार्बन बेस्ड है कार्बन उसमें बहुत ज़्यादा होता है कार्बन मेन कॉम्पोनेंट होता है कार्बन हमारे फूड सोर्सेज का जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की कई फॉर्म्स हो गई स्टार्च हो गया शुगर हो गया तो इन सबका मेन कॉम्पोनेंट कार्बन है तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस नाउ द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड अब बाहर से जो एनर्जी है वो थोड़ी जो सोर्सेज है एनर्जी के वो बहुत अलग अलग हैं Since the environment is not under the control of the individual organisms, if each individual organism can control organism, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. इसलिए एनर्जी हमारी बॉडी में एनर्जी को बनने के लिए जो हम फूड खाते हैं उस फूड का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होता है फिर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव होते हैं और उनसे रेस्पिरेशन से फिर एनर्जी बनती है फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी तो इस पूरे प्रोसेस के लिए एक सीरीज बहुत ज़रूरी है केमिकल रिएक्शंस की जो बॉडी के अंदर चलती रहे एक के बाद एक रिएक्शंस होती रहे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी रिएक्शंस होती हैं फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है हमारी बॉडी में हम बाहर से ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को ब्रीद करते हैं अंदर लंग्स में जाती है लंग्स में जो ब्लड होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है इसको सेल्स तक लेके जाता है एंड फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्राम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन दिस प्रोसेस टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड रेस्पिरीशन रेस्पिरीशन में दो चीज़ें आ जाती है एक कुछ लोग सोचते हैं कि रेस्पिरेशन सिर्फ होता है कि हमने सांस ली और बाहर सांस निकाल दी दैट मीन्स इन्हेलेशन एंड एक्सिलेशन ये हो गया रेस्पिरेशन नहीं यहाँ पे रेस्पिरेशन पूरा नहीं होता रेस्पिरेशन ये तो ब्रीदिंग प्रोसेस हो गई सिर्फ कि हमने ऑक्सीजन रिच एयर इन्हेल करी और ना कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हमने बाहर निकाल दी ठीक है हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी पर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड कहाँ से आई वापस लंग्स में और जो ऑक्सीजन हमने लिया था वो कहाँ गया तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ऊपर बाइंड करेगा ब्लड में ट्रैवल करेगा हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं बिल बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आ दे इन द ह्यूमन बॉडी हर सेल हर सेल तक ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचाएगा वेदर इट इज़ योर ब्रेन सेल चाहे आपकी वो बॉडी के हेड का पार्ट हो ब्रेन का पार्ट हो वहाँ के हर सेल तक ऑक्सीजन जाएगी या फिर आपके पैर का टिप हो चाहे टो तो का कोई टो तो का सेल हो वहाँ तक भी ऑक्सीजन जाएगी तो वो सब कैसे जाएगी वो ब्लड से जाएगी वो ब्लड तक वहाँ पहुँचेगा उसके बाद बॉडी में जितने सेल्स हैं सबको फूड चाहिए ऑक्सीजन सबको चाहिए सब तक ऑक्सीजन ब्लड से पहुँच गया फिर जितने भी सेल्स हैं बॉडी में सबको फूड चाहिए तो जो डाइजेशन हुआ था डाइजेशन प्रोसेस तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होता है जो फूड डाइजेस्ट हो गया जैसे हम ले सोचते हैं जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट आपने चपाती खाई तो चपाती का जब ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेक डाउन होकर वो सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब हर सेल को फ़ूड चाहिए फ़ूड किस फॉर्म में चाहिए ग्लूकोज़ की फॉर्म में फ़ूड चाहिए अब वो जो ग्लूकोज़ होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा और किस में जाएगा ब्लड में जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी का सिर्फ़ एक ही एक ही ऐसा कनेक्टिव uh, टिश्यू है ब्लड जो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है और जो चीज़ ट्रैवल कर सकती है वही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा के उस किसी भी मटीरियल को पहुँचा सकती है तो अब यह ब्लड जो है ये ब्लड जब इंटस्टाइंस में जाएगा तो वहाँ पे ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा अब ये ट्रैवल करेगा पूरी बॉडी में और बॉडी के हर सेल तक ग्लूकोज को पहुँचाएगा जैसे ब्रेन सेल की हमने बात करी थी ब्रेन सेल में पहले ऑक्सीजन पहुँचा और वहाँ पर अब ग्लूकोज भी पहुँचेगा चाहे हमारे पैर का हाथ का हमारी फिंगर का कहीं का भी सेल हो हर जगह पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा अब सेल के अंदर ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज टूटेगा इन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ इसकी बर्निंग होगी एक तरह से और ब्रेकडाउन होके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी अब यहाँ पे ये यह जो प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है क्योंकि ये सेल के लेवल पे हो रहा है इसको बोल रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वाटर रिलीज़ हुआ और एनर्जी रिलीज़ हुई अब एनर्जी बॉडी यूज़ कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड से लंग्स तक पहुँचेगा और लंग्स से हमारे जब हम एक्सहेल करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा और जो वाटर है वो वाटर हमारी बॉडी के अंदर यूज़ हो जाता है बहुत से लाइफ प्रोसेस में बॉडी तो यूज़ होता बॉडी में यूज़ होता है वाटर और एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी मॉलिक्यूल्स तो दिस इज़ रेस्पिरेशन दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ रेस्पिरेशन सो इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम नो स्पेसिफिक ऑर्गैन ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडिड बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद एन्वायॉयरमेंट अब अगर हम बात करें जैसे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम है अमीबा अमीबा को कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं होती अमीबा को क्योंकि अमीबा का हर से एक ही सेल है अमीबा का और वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में है तो वो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ये सब यहीं से डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट तो अमी सेल है उसको कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है डायरेक्ट वो एक्सचेंज एनवायरनमेंट से डायरेक्टली हो जाता है द सिचुएशन नाउ व्हाट अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि अमीबा में कैसे हो जाएगा अमीबा में सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन से कैसे जैसे बाहर अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है बाहर की तरफ कम है तो सिंपल सिंपल डिफ्यूजन में फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है तो आई सिंपली अंदर से बाहर आ जाएगी अब जैसे ऑक्सीजन को अंदर जाना है तो अंदर ऑक्सीजन कम है बाहर ज़्यादा है तो फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सनट्रेशन ये ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगी अमीबा के अंदर तो सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है ऑक्सीजन अंदर जा रही है सी ओ टू बाहर आ रहा है या फिर ये फूड ये इंजेशन कर लेता है सूडोपोडिया से और जो एक्सक्रीशन अपने आप इन्वायरमेंट में सीधा बाहर इसी सेल से एक्सक्रीशन हो जाता है तो इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स uh, हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से कम्प्लीट हो रही हैं पर जो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके लिए सिंपल डिफ्यूजन से नहीं वर्क हो सकता क्योंकि जैसे हम ह्यूमन अपना एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स का क्या हमारा हर सेल बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है अमीबा का तो एक सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में था पूरा तो उसने पूरा एक, सारे प्रोसेस उसके हो रहे थे बट क्या हमारा हर सेल कांटेक्ट में है हमारा हर सेल क्या हमारा हार्ट सेल कांटेक्ट में है या फिर हमारा ब्रेन सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं सारे सेल्स एन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है तो सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होना होते हैं हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं जो ये फंक्शंस को परफॉर्म कर सके जैसे कि स्पेशलाइज टिश्यूज़ होती हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं अब जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की टिश्यूज़ हैं वो सिर्फ डाइजेशन का काम करेगी रेस्पिरेटरी जो टिश्यूज़ हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बनाती हैं लंग्स या फिर अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे ट्रेकिया हो गया तो ये सब uh, सिर्फ रेस्पिरेशन का ही वर्क करेंगे सो इट इज़ देअफोर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ द फूड एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी द फंक्शन ऑफ द स्पेशलाइज्ड

उन सारी टिश्यूज़ तक कैसे पहुँचेगा? मैंने आपको बताया ब्लड के थ्रू पहुँचेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है तो ये जो ऑक्सीजन फूड और ऑक्सीजन है ये सारा पहुँचेगा ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल में वेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन भी हार्मफुल जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है लाइफ प्रोसेसेज हो रहे हैं इन केमिकल रिएक्शन्स में कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो हमारी बॉडी को जरूर ज़रूरी नहीं होते जो यूजलेस होते हैं और उन्हें बॉडी से बाहर निकालना होता है वो हार्मफुल होते हैं सो दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर therefore नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी तो इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं ये पॉइजनस होते हैं हमारी बॉडी के लिए जैसे हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है यूरिया तो यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है पॉइजनस सब्सटेंस है तो उसको किडनीज के थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अगेन ऑफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिजाइन एंड मल्टी सेलर ऑर्गैनिज्म आर फॉलोड अ स्पेशलाइज टिशू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड विच मीन्स कोई भी एक स्पेशलाइज टिशू है तो वो एक पटशन काम करे किसी एक, एक काम के लिए होगी वो जैसे नर्वस टिशू है तो ब्रेन के जितने भी टिशूज़ uh, हैं वो नर्वस टिश्यूज़ से बनी हुई होती हैं ब्रेन जो बना हुआ होता है तो उनका फंक्शन कुछ और है मैसेज कैरी करना ब्रेन तक और ब्रेन से वापस मैसेजेस को बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना हर ऑर्गन सिस्टम में अलग तरह की होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में Uh, अलग टिश्यूज़ होंगी जो रेस्पिरेशन का काम करेंगी तो so, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऐसी टिश्यूज़ होंगी जो स्पेशलाइज होंगी फॉर डूइंग द वर्क ऑफ एक्सक्रीशन ओनली विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स तो सेल्स से ये जो एर, आ, वेस्ट है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सेल्स से कहाँ ले जाया जाएगा एक्सक्रीटरी टिश्यू तक ले जाया जाएगा ना लेटस कंसिडर दिज वेरियस प्रोसेस सो असेंशियल टू मैंटेन लाइफ वन बाय वन इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पड़े सारे प्रोसेसेस हम एक एक करके पढ़ेंगे न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन इन डिटेल दिस वॉज दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस आई होप यू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन एंड लाइक द वीडियो एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय एंड टेक केयर